सो हेलो एवरीवन, इट्स अ बॉय दानिश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगर्स ऑफ गली। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं होप करता हूं आप सब लोग बढ़िया हो, ठीक हो, मस्त हो। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं पुणे। पुणे में किधर जा रहे हैं तू? यार यू बेटा, चिंचवाड़। चिंचवाड़ में क्या है? चिंचवाड़ में एक गोट फार्म है, वहाँ पे गोट फार्म है। हम लोग बकरी की तलाश में निकले और बिल्लू देख रहे अंदर पीछे डिग्गी के अंदर। हम लोग ने एडजस्ट कर लिया को 5 सीटर से 6 सीटर बना दिए हम लोग ने। और अभी हम लोग, अभी कितना टाइम हो रहा है तू? 2 बज रहे अभी हम लोग निकले। 27 मिनट कब पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। सुबह का प्लान था 5 बजे। 5 बज वहाँ पे जाके आपको फार्म बताएंगे और क्या है। जब तक के लिए आप लोग ओवरव्यू देखिए बाहर का, जाने का, अच्छी अच्छी चीजें। तो चलो मिलते हैं, आगे बढ़ते। क्या बोलता है? बाय। आराम से ना, चलो आगे देखते। किससे आया? जैसे कि बिल्लू की हालत हो गई है खराब। बिल्लू को एक्सपेरिमेंट चलेगा, 6 सीटर की जगह दी है, क्या हो गया? पहले पकड़ लेंगे। बिल्लू की हालत खराब है अभी, एक घंटे की ट्रैवलिंग हुई है ना यार। और ये इसकी हालत खराब है, अभी 2 घंटे और बाकी है पुणे के लिए। भाई अभी 1 घंटे की ट्रैवलिंग मिला, मेरे बेटा टाइम लगे, अभी बहुत टाइम है बिल्लू। ऐसी वीडियो में बने रहो, ये बहुत मजा आने वाली। बिल्लू की हालत अभी से खराब है। अरे बकरा देख के बिल्लू खुश होएगा कि जैसा बकरा चाहिए था वैसा दिखा कि नहीं। देखो वीडियो में तो दिखा है, सामने जाके सामने देखेंगे तो मजा आएगा। तो गाइस अभी कितना, 1 घंटे का ट्रैवल हो गया ना? 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अभी घाट चढ़ेंगे 10-15 मिनट, तो 15 मिनट पहुँचने के लिए टोल, मतलब आधे घंटे में टोल नाके पे जाएंगे। आधा घंटा और टोल, 35 मिनट में टोल नाके। 35 मतलब अभी पहुँचने के लिए कितना टाइम है? 1 घंटा है। 1 घंटा और है। 1 घंटे में डेस्टिनेशन। और बिल्लू ने अपना रूम बना लिया छोटा क्रेटा में। ये अद्दू भी थक गया है, अभी तो पहुँचे ही नहीं हम लोग। पहुँच जाएंगे 1 घंटा और 1 घंटा और थोड़ा और थोड़ा ओवरव्यू देखते रहे, आगे बनते रहे, आगे चीज़ अच्छी देखने मिलेगी इंशाल्लाह। तो लेके आने का कि अभी क्या करना है? क्या बोला, 10 दिन 8 दिन पहले लेके आएंगे घर को। बोला अपन वहाँ रहने की बात कर रहा है, लगा संभालने का प्रॉब्लम है ना भाई। अच्छा लगा तो डन कर लेंगे, डन कर लेंगे। हम लोग देख के जा रहे, अगर हम लोग की तलाश खत्म होती है तो बकरे की 1.5 महीने से तलाश कर रहे हैं। बहुत घूमे भाई, जाए कभी उधर कभी ये फार्म कभी वो फार्म। लेकिन क्या चीज़ है, जो चीज़ पसंद आ रही सब सोल्ड आउट। सब सोल्ड आउट, चीज़ अच्छी अच्छी देखी लेकिन सब सोल्ड आउट। एक अभी रिसेंटली में एक वीडियो आई थी, सानियन पसंद आया था लेकिन वो भी सोल्ड आउट निकला। हम लोग कितना, एक दिन लेट हो गए पहले पहुँच जाते तो अपनी नसीब मान जाता वो सानियन। चलो इसी वीडियो में आगे बने रहे, ओवर व्यू देखते रहो। और ये 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 बंदे का घर देख लो, ये बंदा एकदम मस्त में सो रहा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग रुके हैं फूड प्लाजा में और बिल्लू जो थका हुआ था थोड़ा सो के उठा तो थोड़ा उसको अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग ने डोसा लिया तो लेकिन थोड़ा स्कैम हो गया हम लोग, ज़्यादा ही कुछ स्कैम हो गया फूड प्लाजा में। 100 रुपये का एक मसाला भी नहीं है उसके अंदर, मसाला नहीं सिर्फ आलू भर के दे रहे हैं। हम लोग को लगा वो रेड, उसको बोलते हैं यहाँ मैसूर मसाला डोसा। तो इससे अच्छा तो अपना मुंबई है, यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं। मेंदोड़ा भी सारा 2 मिलता है वो भी 90 रुपये का, और हमारे उधर 40 रुपये मिलता है। मतलब 4 बाहर आए हो तो मुंबई के बाहर हो, सही है बाहर आए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अयान ने चीज़ पाव भाजी ली है, उसकी पाव भाजी आ गई, हम लोग क्या बाकी है, ये बैठ चुके हैं खाने। पाव भाजी भी आ गई है, हम लोग दोनों का डोसा ही बाकी है। हम लोग यहाँ स्कैम हो गया पहले ऑर्डर देने से पहले, तो वही अभी देखते सब खा रहे। तो फाइनली अभी हम लोग का नाश्ता हो गया है, पूरा स्कैम है डोसा तो, पूरा स्कैम है बकवास। मतलब नहीं बकवास भी खाने की ना, ये अनासी बात तो अलग है, पर जो उन्होंने स्कैम किया ना डोसा, क्या बताओ। यहाँ पे स्कैम ही है पूरे डोसे में, सेंटर पॉइंट में थोड़ा सा मसाला भाजी बोलते ना भाजी, वो
खाने वाली भाजी भी नहीं समझ लो एकदम सेम। हर चीज लो, हर चीज लो, मसाल पाव भाजी लो, मिसल पाव लो, बिंदुवड़ा लो, सब लो, लेकिन डोसा मत लो। अगर प्लेन डोसा खाने तो ठीक है, मसाला मैसूर वैसूर नहीं, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब है ही नहीं। फूड प्लाजा में यही शॉर्ट है, कोल्ड कॉफी भी अभी यहाँ पे तो हो गया अलहमदुल्ला, हम लोग ने कर ली है। डोसे का स्कैम देखा यहाँ, पाव भाजी एवरेज एवरेज मतलब ठीक है। चलो और थोड़ा देखते, कुछ नाश्ता कर रहे हैं और, लेकिन ये चीज़ में तो मज़ा नहीं है, और आगे आपको बताते ऐसी बने रहे। फूड प्लाजा में लेना है तो पाव भाजी लो तो ठीक है, या तो सैंडविच खा लो। एक्सपेरिमेंट करने में हाँ, वो अपने अपने यहाँ पे करते रहो एक्सपेरिमेंट जितना करना है, यहाँ पे स्कैम होता है, यहाँ स्कैम है। चलो आगे इसी वीडियो में बनते रहो, बने रहो, हम लोग और आगे बताते रहो। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग जो है पुणे के फार्म पे पहुंच चुके हैं, हम लोग को थोड़ा टाइम हो गया है पहुंच के, हम लोग ने बकरे देखे, अभी आपको दिखाते हैं। आपको पसंद आएंगे तो आप जो भी नज़दीक में रहेंगे पुणे, या तो जिनको पुणे आना है और बकरे देखने हैं, तो अभी थोड़े बकरे हैं, दो बड़े बकरे हैं वहाँ पे माशाल्लाह, अच्छे बकरे, जिसको समझ में आते वो आके कॉन्टैक्ट कर सकता है या तो आके परचेज भी कर सकता है। लेकिन चीज़ बहुत प्यारी है दोनों जो भी है, और खस्सी बकरे भी है, बजट बकरे आपको बताते हैं, चलो देखते। तो गाइस ये बकरा जो देख रहे हो माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है, कोटा में गरम फुल बवाल देख सकते आप, मतलब कोई मार नहीं रहा है, हार्म नहीं कर रहा है बकरे को, सिर्फ शो कर रहे कि कैसा है बकरा, गरम चीज़ है, हाथ लगाने पे ही इसका जो देख सकते हैं फुल गरम चीज़ है। हाइट है इसकी 38-39 और वेट है इसका 80 प्लस है वेट, माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है। जो भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा आपको, सब कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, देख सकते क्या प्यारी चीज़ है। सिर्फ पास में जाके खड़े हो जाओ इस बकरे के, बिल्लू पकड़ के रख, ये देखो ये चीज़ है क्या माशाल्लाह प्यारी चीज़ है, झालर गला पट्टी लेंथ भी अच्छी है। बिल्लू खड़े हो, कितना हाइट है जरा देख, अरे मैं हाइट देखूंगा, मेरे को हाइट ना पहुंचा दी। बहुत प्यारी चीज़ है ये इसका रुबाब कोटा गरम, ये चीज़ खेलने वाली एकदम मेंटल एक्टिव, मेंटल बकरा फुल एक्टिव कोटा, कोटे के आशिक लोग के लिए। आओ अभी आप कोटे के, हाँ कोटे जो भी कोटा लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत प्यारी चीज, ऐसी चीज बहुत कमी रेयरली दिखने मिलती है, सेल्फ फीडिंग पे ये। अभी जो है दूसरे बकरे पे आते, चलिए ये बकरे पे आते, ये भी हेड पट है माशाल्लाह, ये 90 प्लस है, ये जो चीज है ये 90 प्लस है, 40 की हाइट है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत प्यारी चीज है ये भी। देख सकते हो बहुत प्यारी चीज है, बिल्लू इसको पकड़, ये भी माशाल्लाह 90 प्लस है ये बकरा, और इसकी हाइट है 40, सीना झालर पट्टी, ये भी गरम चीज है। सीना दिखा देते इसका सामने से, ये देखो सीना देखो एकदम डबल हड्डी में, और कान देख सकते, कान की लेंथ सबसे बड़े थे, कान की लेंथ चौड़े कान एकदम गरम रुबाब में, चपटी सिंह का है माशाल्लाह। पुणे में आपको एड्रेस डाल देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। और यहाँ पे बहुत सारे खस्सी भी है, खस्सी का भी हम लोग दिखाते हैं आपको, तो वो भी आप लोग देखिए और आपको समझ में, ये एक ओवरव्यू है इसका पूरा प्यारा इसका, ये है और ये है अपना कोटा मेंटल, मेंटल कोटा अभी तक का मेरे को जो दिखा, बाद में अगर देवनार में जो चीज़ आएगी वो बात अलग है, ये है चीज। सो एक और ये बकरा है माशाल्लाह, कोटा बकरा पिंक स्किन में माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ है, आप केज के अंदर है, लेकिन ये अगले साल के लिए बच्चा है अभी, दो दांत पे, अगर किसी को अगले साल के लिए तो चाहिए तो आके आप कांटेक्ट कर सकते, बहुत गर्म चीज़ है अभी, बहुत प्यारी चीज़ है, पिंक स्किन में है। किंग सिंह जो है वो भी अच्छे खड़े सिक्के में, कान की लेंथ भी बहुत अच्छी है, कान की लेंथ देख सकते कितनी बड़ी है,
हाथ लगाने नहीं दे रहा, एग्रेसिव कोटा है माशाल्लाह। आओ अभी जो चलते, अभी इनके पास कोटे में और जो बड़े बकरे थे इतने ही थे, अभी बात करते हैं हम लोग खस्सी की, तो खस्सी में गाइस देख सकते हैं हमारे अयान व्यापारी आपको पूरा अपडेट देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अयान भाई। वालेकुम सलाम भाई। तो आप बता सकते हैं अभी हम लोग कहाँ पर है? अभी हम चिंचवाड़ में, महाराष्ट्र चिंचवाड़ पुणे के पास में, पिंपरी चिंचोड़ी जो बोलते हैं उसको, वहाँ पर एक फार्म पे आए हमारे। अच्छा, हम फार्म पे क्यों आए थे पहले ये तो हमारे व्यूवर्स को ये जानना था। हम अपने लिए बकरा लेने, हम लोग एक खोज की तलाश में निकले थे, तो माशाल्लाह अभी वो तो हुई नहीं, लेकिन आपको हमारे थ्रू जो बकरे हैं ईद के लिए वो देखने जरूर मिल जाएंगे, जिनको घर बाय करना है वो उनके लिए अच्छा है। तो अयान भाई अभी अंडुल की तो डिटेल्स हम लोग ने दे दी, अब खस्सी की बताइए। भाई ये पंजाबी है माशाल्लाह, इसकी हाइट कितनी रहेगी अयान भाई? हाइट 41 की हाइट है। ब्लैक कलर का, ब्लैक एकदम माशाल्लाह, एकदम शाइन है, मस्त माशाल्लाह एकदम। तो इनको अपन नक पे देने का है कि किलो पे देने? नहीं, ये किलो पे दे रहे हैं। अच्छा, किलो पे दे रहे हैं। तो 550 रुपीज़ केजी। 550 रुपीज़ केजी, तो कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा कि? होगा, नेगोशिएबल है। तो देख सकते हैं, बहुत प्यारी चीज है, फुल ब्लैक में, जेड ब्लैक बोलते वो है, ये एकदम शाइन, अंधा लंबा बच्चा है इनका, देख सकते एकदम सीना टच कर रहा है बकरा। अभी आए थे दूसरे बकरे के ऊपर, तो ये एक दूसरा शिरोई, ये भी माशाल्लाह टकला मजीटा टाइप बच्चा एकदम, देख रहे सीना देख सकते, शाइन देखो बॉडी पे। ये जो बोन स्ट्रक्चर है ना, जो डबल हड्डी में लोग पूछ रहे, वो ये होता है, ये होती है चीज, मजबूती होती है उनके पैरों की, बोन स्ट्रक्चर ये होता है। कौला बच्चा, कौला बच्चा है, ये देख सकते, ये भी 550, सब खस्सी जितने भी है 550 केजी पे, ये 550 पीछे देख सकते हैं जोड़ी माशाल्लाह, ये जो खस्सी जा रहा है ये देखिए 95 केजी पे, 9500 सब आपको यहाँ पे 65-70 केजी 50 केजी पे मिलेंगे। वो बच्चा को देखो, वो माशाल्लाह माशाल्लाह, खड़े सिक्के में जो है ना, हाँ, ये बच्चा देखो भाग रहा है, पकड़ लो। फाइनली आयान भाई ने बच्चा पकड़ लिए, ये देख सकते हैं, क्या है ये, सेम आयान दिख रहा है लेकिन हाइट थोड़ी शॉर्ट हो गई है इसकी। माशाल्लाह पूरा खस्सी है, वेट इसका रहेगा 90 केजी, ठसावा खस्सी एकदम, और हड्डी बोन स्ट्रक्चर देखो इसका, सामने का सीना खूबसूरती, फुल वाइट बकरा है। तो आयन कौन सा सोजत है? सोजत है, प्योर एकदम, प्योर सोजत, प्योर माशाल्लाह। छोड़ दीजिए छोड़, ये भी 550 केजी पे, पतीरा है, ये पतीरा बच्चा, पतीरा है, पतीरा बच्चा माशाल्लाह, हाँ छोटे कॉम्पैक्ट में पतीरा ही रहते, पतीरा बच्चा। और यहाँ देख सकते हैं और बहुत सारे बकरे, सब 550 केजी पे ही देना है, थोड़े बहुत नेगोशिएबल हो सकते हैं, खस्सी के उसमें लॉट है पूरा खस्सी का, बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है, आप देख सकते हैं। तो अयान भाई ने एक और बकरा पसंद किया माशाल्लाह, सब अयान भाई अपने तरह ही बकरे देख रहे माशाल्लाह, खाने पीने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, सब बकरे यहाँ पर वैसे ही आपको देखने मिलेंगे। और ये एक और देख सकते हैं आप, एक और ये माशाल्लाह एक और प्यारा बच्चा आपके सामने, गुजरी में 95 केजी के ऊपर है, 95 केजी, और भी एकदम शॉर्ट हाइट है लेकिन बहुत प्यारी चीज़ है, सीना देखो सामने का, साइड का, पेटी देखो, मतलब इतने छोटे बकरों में इतनी पेटी आती ही नहीं है, लेकिन इसने जो लिया एक अपने उरूज पे लिया है माशाल्लाह। ये भी 550 केजी पे ही देना है अयान भाई, नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल है, करेंगे ऐसा नहीं कि स्लाइटली है, स्लाइटली माशाल्लाह। और वो जो अंडुल अपन ने देखे वो सब, वो भी केजी पे देना है? नहीं, वो नक पे देना है, वो नक पे देना है। तो जो उनकी नेगोशिएबल है लेकिन नक पे देना, तो लेकिन उनका जो प्राइस और डिटेल्स है वो, मतलब वो पर्सनल पे आपको उसको शो नहीं करेंगे। तो जो एड्रेस जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और आप एक बार फिर से देख लीजिए, सब प्यारे खस्सी है, सब एक एज हाइट वेट पे है, सब 70, 65, 50, 80, 95 ऐसे है, सब बड़े बकरे माशाल्लाह। अगर कुर्बानी के लिए किसी को लेना है तो पुणे में आ सकते, देख रहे सब एक्टिव बकरे माशाल्लाह, जितने भी है बहुत प्यारी चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ आयान, हम लोग यहाँ अपने खोज के लिए आए थे, लेकिन माशाल्लाह खस्सी बकरे यहाँ पे देख के ना, खस्सी बकरों पे दिल आ गया, और वो जो दो अंडुल देखे, हाँ वो अंडुल है माशाल्लाह बहुत अच्छे, वो दिल पे आ गया है, उसके बारे में बाद में हम लोग अपने बात करेंगे थोड़ा, लेकिन यहाँ पे खस्सी के बारे में देख लीजिए आप।
और फिर अभी एक मेंढा भी है माशाल्लाह, उसको भी हम लोग दिखाएंगे यहाँ का, तो वही देखते हैं अभी। चलो अयन भाई वो मेंढा दिखा दीजिए। की बात हो रही थी, आपने जो वीडियो में देखे खेलते वो, ये मेंढा है माशाल्लाह, तीसरा दांत कर रहा है। और अब तो इसका वेट कितना है लाइव वेट? 66 लाइव वेट पे है, 66 लाइव वेट पे माशाल्लाह, खेलने वाली चीज है आप देख सकते हैं, प्यारी चीज है, अभी प्यारी चीज है, बच्चा है अभी, तो पलटी के लायक, एक साल दो साल रुखा सकते हैं इस चीज को हम लोग। तो जिसको भी अगर मेंढे में शौकीन है तो ये कॉन्टेक्ट कर सकता है, एड्रेस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एकदम एक्टिव है, चंचल बक है जो मेंढा विलायती है ना। तो लेकिन इसका जो प्राइस है, इसको किलो पे देना है कि इसको भी नक पे देना है? नक पे देने का ना, इसको भी नक पे देने का। माशाल्लाह चीज देख लो, बहुत प्यारी है, अभी भी थका नहीं है, खेल ही रहा है वो मेंढा, बहुत फुर्तीला है। ये होती है चीज़, एक्टिव है एकदम एक्टिव, ये होती है चीज़। सिंह सिक्के का भी बहुत अच्छा है ये, कोई फाइट वाइट नहीं लड़ा है ना अभी? नहीं नहीं, नहीं लड़ा देते ना तो इसी वजह से लेने वाले बहुत एकदम फुल एक्टिव, ये है चीज़। पीछे भी एक्टिव है, नॉन एक्टिव कर देंगे। हाँ पीछे जो ये चीज़ है इसको तो एकदम गौर से देखिए, ये इतना एक्टिव है, ये सेंसर है बाजू में जाते शुरू हो जाता है, ये इसके अंदर चीज होती है, तो ये होती है कोटा में पागल अंडू। तो अद्दू जहाँ अपन फार्म पे आए थे एक बार लास्ट पर, आप बता सकते फार्म पे कौन से फार्म पे आए थे हम? अभी ये वाला, हाँ ये साबिर भाई का फार्म है। हाँ ये साबिर भाई खड़े, वो वीडियो में नहीं बोले, आप लोग ही बना लो जैसा आपको बनाना है। चिंचवाड़ में फार्म है इनका, एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी, और जिसको भी बाय करना है वो आके ले सकता है या कॉन्टेक्ट करके बात कर सकता है। और जो अपने अंडुल है वो नक पे देना है कि नक अंडुल नक पे मेंढा नक पे, बाकी खस्सी 550 रुपीस पर केजी है, वेट करके मिल जाएगा अपने पास वेट। और नेगोशिएबल है कि सेम? लाइटली नेगोशिएबल, लाइटली नेगोशिएबल है। चीज़ें तो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मतलब आओ तो आप खाली आ जाएंगे, कुछ ना कुछ माशाल्लाह लेके जाएंगे। खस्सी के शौकीन के लिए तो कलेक्शन है, बहुत ही कलेक्शन है। लेकिन दो बड़े बकरे भी अंडुल में, और एक छोटा है लेकिन वो पलटी का, अगले वो पलटी के लिए, जिसको अगर अगले साल के लिए लेना है वो भी बहुत प्यारी चीज है। तो हम लोग हमारा पुणे आने का आखिरकार हो ही गया, मेन मकसद जो है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, तो ऐसे वीडियो में बने रहो, आगे बात करेंगे। अभी वीडियो यहीं एंड नहीं करते, अभी हम लोग जब निकलेंगे तो बात करेंगे। तो चलो तो भाई फाइनली वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हम लोग गए थे पुणे बकरा लेने, अयान ने देखा था और हम लोग थक गए थे और वीडियो को वहाँ एंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरा भी अयान का भी हम लोग जितने लोग गए थे सबका फोन डेड हो गया था वहाँ पे। तो वीडियो को यहाँ एंड कर रहे हम लोग। और अयान हम लोग बकरा क्यों नहीं लाए, मतलब व्यूवर्स ये भी तो देखे ना कि हम लोग अपन गए थे बात किए, लेकिन आप लोग के लिए हम लोग ने वहाँ वीडियो बना दिए कि अगर खस्सी के लिए लॉट इतना अच्छा था, अगर किसी को पसंद आता है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी एक और चीज़, मतलब जो अंडुल थे वो भी आप बाय कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको पर्सनल डिटेल ही मिलेंगी, आप कॉल करेंगे तभी आपको पता चलेगा, उसका हम लोग ने कोई डिटेल्स नहीं दिया, वो सिर्फ नक पे मिलेंगे। तो अयन बकरा क्यों नहीं लाए पब्लिक ये जानना चाहिए। रीज़न ये है कि हम लोग ने बकरा इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि जो वेट की रिक्वायरमेंट है, यानी मतलब हम लोग को बड़े बकरे की रिक्वायरमेंट है जो कि 90 kg प्लस या 100 kg प्लस है, तो वो बकरा थोड़ा सा छोटा था वो चीज़ में, तो हम लोग की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम लोग ने बकरे में कोई ऐब नहीं है, बकरा बहुत अच्छा है, दोनों बकरे बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसा बकरा हम लोग को चाहिए वैसा नहीं मिला, तो वैसा नहीं मिल पाया। मतलब हम लोग सोचिए कुछ और गए थे और हो कुछ और क्या, लेकिन बकरे अच्छे, अगर किसी को वही रेंज में बकरा चाहिए तो उसके लिए बेस्ट चॉइस है, उसके लिए ठीक है, बेस्ट चॉइस है उसके लिए, बहुत अच्छे बकरे। हम लोग को वो मतलब हम जो वेट चाहिए था हम लोग को वो वेट नहीं मिला, ये चीज थी। और इतना ट्रैवल करके इतने दूर जाना, फिर वहां से खा लिया था ना, थोड़ा बुरा लगा लेकिन ठीक था, एक वीडियो भी बन गई हमारे लिए,
और दूसरी चीज क्या हुआ, आगे ढूंढ रहे और अभी तलाश जारी है, अभी तलाश जारी है, शायद देवनार में खत्म होगी तलाश। देवनार में अगर जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास हो कोई बकरा 95-100 kg पे कोटा या कोई भी हैवी वेट में, तो हम लोग को डीएम कर सकता है पर्सनली इंस्टाग्राम पे, आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस ऐसे ही प्यार दो, आप लोग का प्यार बहुत अच्छा हम लोग को आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही फैलाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।